इस साल थोड़ा बॉडी पे भी बहुत ध्यान दिया मैंने, ट्रेनिंग्स वगैरह लिए, इसलिए मतलब पहले तो नहीं लगता कि हाँ अब मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हीरो बनने की, बिकॉज ऑफ दैट क्या मैंने ध्यान भी दिया अपनी बॉडी पे और कैसे मेरे को एक्शंस वगैरह सीन्स देने हैं, तो मेरे को मेरी बॉडी और ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी इसलिए। और ये कॉन्फिडेंस रीना के पास ज़्यादा गेन हुआ है? या पहले पहले तो लगता था इजी होगा, बट अब जब मैंने करी ना फिल्म तो मेरे को और गेन हो रहा है कि यस आई कैन, मतलब विदाउट डूइंग एनी क्लासेस, टेकिंग एनी थिएटर और गोइंग टू एनी थिएटर डूइंग अ फिल्म, एंड सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ अच्छी एक्टिंग करी है फर्स्ट फिल्म के हिसाब से, मेरे को भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं कर रहा हूँ। आप अपने आप अंदर कितना चेंज फील करते हो? पार्ट, ये फिल्म करने से पहले जो पार्ट था, आज जो पार्ट था, ये कितना बदला है? मैं लुक्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई हो गया इस टाइम, पहले मेरे को बहुत डर लगता सामने कैमरा के सामने बैठने से भी डर लगता था, स्कूल में स्पीचेस होते थे कि स्पीच देनी हो तो डर के बारे में किसी, उस दिन मैं स्कूल तक नहीं आता, पर मेरा मन करता है कि मैं स्पीच दूँ अपनी तरफ से, इंटरव्यूज देना चाहूँ, अब ये मन करता है। चौहान साहब आपने बड़ी प्यारी व्यवस्था की है यहाँ पर, मैं उसमें देना चाहता हूँ धन्यवाद। क्रीना रिलीज हुई है जी, आप सक्सेस पार्टी रखी थी, आप कहना चाहते हैं, आप अगर कामयाबी को बयां करेंगे तो किन शब्दों में कहेंगे? पार्थ को 14वें जन्मदिन की उसको हार्दिक शुभकामना, और मैं उसको लंबी आयु और वो हमेशा आगे बढ़े, जिस एक सोच के साथ में मैंने सिनेमा के सामने उसको कैमरा के सामने उतारा है, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीका से बड़े स्टार की मूवियों को पसंद करते हैं और बड़े स्टार अच्छा काम करते हैं, पार्थ भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके और बड़ा स्टार बन के दिखाए और अच्छा स्टार बने। ये जो शुभकामनाएं दी, एक पिता ने दी, एक प्रोड्यूसर जी, माता, वो कितना संतुष्ट है अपने हीरो से, अपनी टीम से, अपनी फिल्म से? देखिए आज जो हमारी सेलिब्रेशन पार्टी है उसमें पहला पार्थ का जन्मदिन और उसके साथ में मेरी जो 1.5 साल की मेहनत थी और मेरे साथ जो करीना की टीम ने मुझे साथ दिया और मुझे जो कामयाबी मिली, जो मैं कभी भी सोच नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसा रिस्पांस मिलेगा, और मैं धन्यवाद कहूँगा कि ऑडियंस का कि उन्होंने हमारी पिक्चर बड़ी मूवियों के साथ में पसंद करी, जिस तरीका से हमारी 8 जून को रिलीजिंग थी, काला, जुरासिक पार्क और वीरे दी वेडिंग, राजी, सभी बड़ी मूवियाँ थी, और रेस 3, और अभी संजू के साथ भी हमारी मूवी लगी हुई है, तो मैं धन्यवाद कहूँगा ऑडियंस को, और मुझे बेहद खुशी है कि मेरी टीम ने मेरा साथ दिया और मैं उनको तहे दिल से शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ कि मैं नया था और मेरी टीम ने सभी ने मेरा साथ दिया है और मुझे बेहद कामयाबी मिली है। बहुत सारे उतार चढ़ाव थे फिल्म रिलीज के, मैं यहाँ जब फिल्म लॉन्च हुई तभी आया था, थ्रू आउट ईयर मैंने देखा फिल्म की रिलीज डेट को लेकर आने, उसके बाद भी आपने फिल्म रिलीज की और अच्छी चली जी। इंडस्ट्री को एक नया प्रोड्यूसर मिला, ठीक है, एक नया हीरो मिला, क्या इस कारवां को आगे बढ़ाया जाएगा? पार्थ का कुछ बर्थडे गिफ्ट है? जी बिल्कुल, बर्थडे गिफ्ट है, हम सेकंड मूवी आज के बाद में हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी तरफ से मेरी जो पुरानी टीम थी उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे और नए भी इसमें कुछ अच्छे बिग स्टारों के साथ में, जो इंडस्ट्रीज में जिनका एक लेबल है, जो जिनको देखना चाहते हैं, जिनके काम को सराहना करती है ऑडियंस, हम ऐसे स्टारों को और ऐसे फिल्मी लोगों को साथ में लेकर के सेकंड मूवी के लिए हम सेकंड वीक सितंबर में शूटिंग पर जाने वाले हैं। ये मेरे लिए न्यूज़ है कि आप सेकंड मूवी के साथ आ रहे हैं जी, अब जरा थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए किस तरह की फिल्म होगी, ठीक है, कहाँ आप इसे करना चाहते हो, या फिर कौन से सितारे हैं जिनका नाम आपके जहन नहीं सोचता? देखिए अभी सितारों का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारी टेंटिविटी बातें चल रही है, जैसे जरीन खान है, कायनात अरोड़ा है और इमरान हाशमी है और 2-3 और हैं हमारे बिग स्टार हैं जिसमें पार्थ का मैन हम किरदार उसमें रखने वाले हैं, और ये फिल्म आपको आज की जनरेशन जो पसंद करती है, जो आज की ऑडियंस पसंद करती है, एक उसमें
हॉलीवुड हॉरर लुक भी मिलेगा और ये आपको क्या नाम है एक क्या बोलेंगे उसे मसालेदार मूवी देखने को मिलेगी जो आज की ऑडियंस को पसंद। वैसे आपने एक नाम लिया इमरान हाशमी साहब का और इमरान हाशमी साहब बहुत सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं जी। बाहर उनके साथ काम करेगा आपको नहीं लगता असर पड़ सकता है? अब फिल्मी है तो उम्र भी उसकी हो रही है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट मैंने ऐसे संस्कार उसको दिए नहीं है कि वो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि उसको कुछ गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। इमरान हाशमी जी बड़े अच्छे इंसान हैं, हसमुख हैं और उनके किरदार को सभी सराहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि इमरान हाशमी की तरह अगर पार्थ भी काम करता है तो बेस्ट ऑफ लक है इसके लिए। दूसरा हर फिल्म में पप्पियां लेते रहते हैं। अब पार्थ फिल्मों में पप्पियां लेगा कब तक रोकोगे, उम्र हो रही है उसकी। बेसिकली मेरा फेवरेट हीरो तो सलमान खान है। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे उनके साथ मेरे को सीन्स मिले, रोल मिले करने के लिए उनके साथ। बट मैं मोस्टली यही चाहता हूँ कि मेरे अगर इफ़ आई गॉट अ चांस टू फॉर मेन लीड तो मैं ट्राई करूँगा और एल्स लाइक मतलब मेरे स्टडीज पे मोर कॉन्सेंट्रेट करूँगा। पार्थ को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी और मैनी मैनी हैप्पी ऑफ द रिटर्न माय लवली सन। और जिस तरह से पार्थ ने इतने अच्छे से इस मूवी में काम किया, मैं चाहूंगी आगे भी वो ऐसे ही इतने अच्छे तरह से ही आगे बढ़े और काम करे। अच्छा पार्थ घर में कैसा होगा, पर्दे पे कैसा होता है ये तो दुनिया ने देखा, ये घर में कैसा होता है, बच्चा कैसा होता है घर में? बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा सबको रिस्पेक्ट और सब। एक तरीका से जैसे आज के युग में जो पेरेंटों का और बच्चों का तालमेल ज़्यादा नहीं खाता है, पार्थ ऐसे बच्चों में से है कि हमेशा वो अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता है और हमें हमेशा हैप्पी देखना चाहता है। अच्छा कुछ बदमाशी करता है, कभी करता है, ये चाहिए वो चाहिए, देखिए आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो मर्सिडीज भी मांग सकता है। नहीं नहीं नहीं, इसका साल में एक ही गिफ्ट रहता है, अब तो उसकी भी उम्र निकल गई कि ये रिमोट कंट्रोल कार से बड़ा खेलने का शौकीन था और अभी मुझे लग रहा है कि ये ऐसी बाइक और फोर व्हीलर की डिमांड करने वाला है अगली साल। आपने बड़ी गिफ्ट तो दी उन्हें, फ्रेंड दी पूरी बड़ी गिफ्ट, डैड का गिफ्ट कैसा लगा, हाउ वाज द गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, मेरे को कि अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को एक फिल्म करने के लिए, बहुत प्राउड भी फील होता है। मेरे डैड ने मेरे को पर्दा, कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर देखता हूँ कि आई हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी तो मेरे को वो करना भी चाहिए। अभी जो नेक्स्ट मूवी है हमारी जिसमें 5 गाने हम लेके आने वाले हैं और बड़े बड़े सिंगर आपको उसमें देखने को मिलेंगे, अच्छे गाने, म्यूजिकल फिल्म बनाएंगे हम और बहुत अच्छी मूवी देखने। आपके भाई का बर्थडे है आज, शुभकामनाएं देना चाहते हो? बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरे भाई का बर्थडे है और इसका एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है कि इसे एक मूवी मिली है नेक्स्ट, अब उसमें जैसे करीना हिट हुई है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मेरे दोस्तों को अच्छी लगी और बाकी लोगों को भी अच्छी लगी, तो नेक्स्ट मूवी तो और अच्छी जाएगी, रेस 3 को टक्कर दे देगी, अगली रेस 4 आएगी उसे टक्कर देगी। नहीं पहले तो ये भाई था, अब तो हीरो हो गया, तो कुछ बदला है या भाई हीरो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्यार तो नहीं है दोनों भाइयों। सेल्फी निकाली थी आपने? नहीं मुझे निकालनी पड़ती है, हम शो ऑफ नहीं करते। नहीं पढ़ाई में वही मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बताया कि इफ आई गॉट अ चांस फ्रॉम डैड, अगर डैड की तरफ से मुझे चांस मिल रहा है तो फिर डैड भी मोस्टली चाहेंगे, डैड भी बोलते हैं कि पहले पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो बाद में फिल्म्स पे, तो फिर डैड भी मोस्टली चाहेंगे कि मेरे वैकेशन पे फिल्म की शूटिंग हो और मोस्टली मैं मेरे स्टडीज पे पहले फोकस करूंगा, आई कंप्लीट माय स्टडीज और फिर मैं इसमें एक्टिंग लाइन में आऊंगा। कुछ चौहान साहब कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग देना चाहते हैं अब उसे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरीका से हमने उसको सेट पे उतारा था शूटिंग के लिए तो फर्स्ट डे उसको लगा कि इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, बट जैसे जैसे मूवी का कारवा बढ़ता गया पार्थ ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और मैं तो चाहता हूँ कि इसको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले,
बट मुझे लगता नहीं है कि पार्थ मुझसे ऐसी डिमांड करेगा, क्योंकि ये बहुत काम को लेके सीरियस है अपने को, और बेहतरीन काम करने का इसके अंदर जज्बा जो आज मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसको ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, हमने फिल्मों की बहुत सारी बातें की, जैसे नॉर्मल लोगों में होता है, जब जन्मदिन होता है, बच्चे होता है, सुबह निकल जाते हैं या फिर बाकी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आज क्या किया आप लोगों ने या पार्ट ने क्या किया? व्हाट वाज द डे, हाउ वाज द डे? पहले तो हर साल मेरे बर्थडे के दिन पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है, तो फिर सुबह सुबह उठ के बिना कुछ खाए हुए पहले कम से कम 2-3 hours कम से कम पूजा, 4-5 hours पूजा होती है शिव जी की, तो पूजा करके फिर नॉर्मली घर में जाके फूड वूड खाना, और फिर डायरेक्टली हर ईयर डैड एक होटल में मेरे लिए पार्टी रखते हैं मेरे, कि मेरे फ्रेंड्स और एंजॉय और एंटरटेन कर सकें। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो सवाल किया है उसमें मैं खरा उतरूं, और ये भी हो सकता है कि 2018 में ही वो आपको खुशखबरी मिल जाए। सोच रहा हूं मैं कि आपको 2018 में ही डबल खुशी मिल जाए। जी मुद्दे सोशल वर्कों पे बनाएंगे, मुद्दे हमारे जो समाज में बुराइयां हैं, हमारे समाज के अंदर जो चीज़ें ऑडियंस देखनी चाह रही है, हम अब जो प्रोजेक्ट चुनेंगे वो इस तरीके का प्रोजेक्ट चुनेंगे कि ऑडियंस उसको पसंद करे। रिलीज की खुशी, फिल्म की कामयाबी की खुशी आपके शब्दों में जरा बताइए। फिल्म हमारी अच्छी से रिलीज हुई है और काफ़ी शहरों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है फिल्म का, और काफ़ी पब्लिक द्वारा, क्रिटिक्स द्वारा ज़्यादा सराहा गया है पिक्चर को, और बाकी अभी चौथे हफ्ते में हमारी फिल्म एंटर कर गई है, कहीं ना कहीं पिक्चर हमारी अभी भी चल रही है। आप बतौर डायरेक्टर जी, जो दर्शकों का, दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जी, उसके बारे में क्या? दर्शकों ने पिक्चर को काफ़ी सराहा है, पिक्चर को काफ़ी पसंद किया गया है, और ज़्यादा छोटे शहरों में पिक्चर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। इसलिए कि जो हमारी पिक्चर थी वो एक तरह से देखा जाए तो मल्टीप्लेक्स की पिक्चर थी ही, लेकिन हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ किया है, क्योंकि जो गरीब कबीलाई फिल्म बनी थी ना, तो उसके लिए हमारे गांव छोटे सेंटर के लिए फिल्म ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए पब्लिक का रिस्पॉन्स वहां सबसे ज़्यादा अच्छा मिला। चौहान साहब, आप ये मानते हैं कि फिल्म मल्टीप्लेक्स के लिए नहीं बनी थी? नहीं, फिल्म सभी सिनेमाओं के लिए बनती है, और मुझे लगता है कि हर जगह चलानी चाहिए, और मैंने जो इसका आधार जिस समय फिल्म का सोचा था, उस समय हमारा यही सोचना था कि हम मल्टीप्लेक्स के लिए बना रहे हैं, तो सभी सिनेमा के लिए, हर ऑडियंस के लिए हमने मूवी बनाई थी। वैसे ऋषा जी, आज आपके हीरो का जन्मदिन है भाई जी, शुभकामनाएं। जरा ये कैप्टन है उस जहाज का जी, मैं पहले नंबर तो इसको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, पहली पिक्चर में काफ़ी इसने अच्छा काम किया है, और इसने पिक्चर को बड़े अच्छे से, एक पहली बार जो इसने काम किया इसको काफ़ी तारीफ मिली है, और आगे भी ईश्वर करे कि ये काफ़ी ऊपर जाए और अच्छा काम करे, और मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ है, आज भी है और हमेशा रहेगी। दिलीप सर, मैं शुभकामनाएं चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो इस पूरी टीम को, यानी मेरे साथ में ही क्रीना की रिलीज और क्रीना की जो आगे सक्सेस मिलेगी हम लोगों को, उसके लिए बधाइयाँ। और जाहिर सी बात है कि पहले जन्मदिन पे क्रीना रिलीज की सोच रहे थे, पिछली बार जब बर्थडे था, आज हमारा हीरो क्रीना को मतलब रिलीज करने के बाद में जो मिला है हमें, मैं समझता हूँ कि भविष्य में बस ये इसी तरीके से सक्सेस पाएं, और सिर्फ एक ही क्रीना नहीं, ऐसी कई फिल्में बने जिनसे इनका नाम रोशन हो और मुझे संगीत देने का मौका मिला। चौहान साहब ने दूसरी फिल्म भी अनाउंस की है। हाँ की है, हाँ कर दिए, कर दिए। मगर एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, चौहान साहब ने कर दी नहीं, करना चाहते हैं जी। आप ये पूछिए कि आप जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो आगे, नहीं तो सवाल तो यही है ना आपका। मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, फिल्म लाइन में जब मैंने यश जी के साथ में आईना की थी, ये दिल्लगी की थी, दोनों पिक्चरें मेरी सुपर हिट रही, मगर दिल, अरे यार मेरा लुक कहीं भी होगा तुमको कैच करना यार, ऐसा थोड़ी क्या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ क्या? तो यश जी ने दिल वाले दुल्हनिया में उन्होंने जतिन ललित को लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोड्यूसर से ये उम्मीद करें कि उसी वजह से मैं आया हूँ, मेरा प्रोड्यूसर ने मुझे फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया या मेरे साथ काम किया वो मेरे लिए सही था, भविष्य में ऐसा नहीं, क्योंकि फिल्म लाइन एक आदमी से नहीं चलती है, वैसे टीम वर्क है, और आज तो
फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर पांच पांच होने लग गए, तो एक फिल्म में अगर पांच हो तो अगर ये नई फिल्म इन्होंने शुरू की तो पहले तो जन्मदिन की बधाइयों के साथ साथ इनके बेटे को इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रही बात साथ में काम करने की, तो संजोग होगा तो करेंगे, बाकी साथ में हम वैसे भी रहेंगे, भले मेरा म्यूजिक रहे या ना रहे तो भी हम भाई भाई तो रहेंगे। वैसे मैंने बहुत बार आपको गाते हुए भी सुना है, तो गाना तो गाऊंगा, पहले हमारे हीरो से तो शब्द पूछ लो यार, मेरा तो काम ही है गाने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। हाँ सर, अब इनका क्लोज लीजिए आप। ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही है बाद में आपके डायरेक्टर से, बहुत अच्छा लगता है कि अब डायरेक्टर्स भी, मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि डायरेक्टर जी नाराज ना हो जाए कि मेरे को एक्टिंग में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नर्वस हो जाता था बहुत ज़्यादा, पर जब मैंने देखा कि उन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लग रही है, वो भी मेरी तारीफ करते, बहुत अच्छा लगता, बहुत प्राउड भी फील होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे बड़ी बात है मिलेगी, अब मैं मान लो मेरे दोस्तों के साथ कभी ऐसे ही बाहर निकलता हूँ तो लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं क्रीना के नाम से जानते हैं, लोग बोलते हैं एक क्रीना मैंने आप ही क्रीना में, हाँ हाँ यस, बहुत प्राउड फील होता है कि फर्स्ट फिल्म में कोई इतना नाम। यस, दिलीप सर के लिए दो सब हमारे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं, और थोड़ा जोर से बोले ऐसा लगे ना खाना मैंने खाया है, फील आप करें, हमारे आदर्श भी हैं और मेरे बड़े भाई के तरीके से हैं, और यहाँ कोई भी संदेह वाली बात कोई भी हमारे पत्रकार भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, हमारा जिस तरीका से दूध और पानी का साथ है हमेशा लाइफ टाइम बना रहेगा, बात फिल्म की आती है तो हम सरकार जरूर सहयोग लेंगे उसमें, और भी सरकार जैसे कहना है कि आज की मूवियों में ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्टर रहे, तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो फिल्म मैं दूसरी बनाना चाह रहा हूँ वो सुपर हिट हो और उसको दुनिया के हर कोने पे एक कामयाबी हासिल हो, इसके लिए मुझे हर तरीका से हर वो कार्य करना है जिसमें मुझे कामयाबी मिले, तो मैं दिलीप सर को भी रखूंगा, उसके साथ साथ और भी टीम रहेगी जो म्यूजिक डायरेक्शन आज के समय में अच्छा देगा। दूसरी बात मैं एक आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि अभी मेरे ख्याल से हम चारों में सबसे सीनियर अगर मुझे ही मान सकते हैं, अनुभव में भी मैं इनसे ज़्यादा हूँ, तो मैंने उतार चढ़ाव जिंदगी के बहुत देखे हैं, इंडस्ट्री के भी और मेरे जिंदगी में भी जो आए, तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि मेरा प्रोड्यूसर जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हमें यह है कि प्रोड्यूसर को खड़ा करेंगे तो उसके पीछे हम भी लड़क सकते हैं या उसके सहयोग में उसकी छाया में बैठ सकते हैं, तो इन्होंने जो पहली पिक्चर में हिम्मत दिखाई, देखिए आज मैं बताऊं आपको ये बहुत मेरे लिए फख्र की बात है कि मैंने नए लोगों के साथ काम की, मगर पहली फिल्म है कि जो इतने कम समय में, अरे मतलब मल्टीप्लेस में भी रिलीज हुई, ऐसा नहीं है कि जैसे श्यामल जी कह रहे हैं, नो डाउट कहानी की जो डिमांड होती है तो कहानी में तो देखिए कई पिक्चरें मल्टीप्लेस में चलती है, सिंगल में नहीं चलती, मगर कई सिंगल में चलती है मल्टीप्लेस में नहीं चलती है, तो ये तो बात सही है क्योंकि हर एक की ऑडियंस होती है, मगर फिल्म फिल्म होती है उसको चलना है, तो मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म के अंदर इन्होंने जो अपनी जद्दोजहद रखी और जो मेहनत करके आखिर तक, अक्सर होता है कि प्रोड्यूसर पिक्चर रिलीज नहीं कर पाता है, अमूमन मैंने तो बहुत देखा है, मेरे 30 साल के करियर में मैंने काफ़ी देखा है, मैंने इतनी सारी फिल्में की जिनमें से कुछ रिलीज हुई कुछ अभी भी डब्बे में है, बट इन्होंने वो हिम्मत रखकर उसको रिलीज करके पब्लिक तक पहुंचा है, ये इनके लिए बहुत ही सराहनीय बात है, और जैसे इन्होंने कहा कि नहीं मैं इनके साथ हमेशा रहूंगा, और अब वो जरूरी नहीं है कि अपने मुंह से खुद ही मूवी थे बन जाओ, उस पर मैं एक गाना सुना देता हूँ आप लोगों को। 29 जून का दिन है आता, मन फूला नहीं समाता, क्यों ना ये दिन रोज मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम जियो हजारों साल सभी देते यही दुआएं, पार्थ हैप्पी बर्थडे टू यू, पार्थ हैप्पी बर्थडे टू यू, पार्थ हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक मेरा बहुत चहेता गाना है जो मैं खास इनके लिए गा रहा हूँ, होठों पे बस ओ तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, चौहान जी आई लव यू, यू लव मी चौहान जी, जब भी कोई लड़की दे वो मेरा दिल दीवाना बोले बोले ओले ओले। तालियां। अभी भी लड़की देख के दिल दीवाना ओले ओले बोलता है। मेरे
बाद चेहरे से कैसा लग रहा है? नहीं जरा कैमरे में देख के बताइए। नहीं मैं आपको देखूं कैमरे में, बेटा मेरा साइड क्लोज जरा ज्यादा अच्छा है, बार बार यूं करते रहता हूं। बहुत अच्छा लगा। देखिए सबसे प्यारी बात तो मुझे ये लगी कि आज जिस तादाद में बड़ी फिल्मों के अंदर मैं इतने लोगों को नहीं देखा, मैंने कई मुहूर्त और कई बर्थडे अटेंड किए, पर आज इतनी बरसात होने के बावजूद भी, इतना मौसम खराब होने के बावजूद आज सारे भाई लोग यहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबों का धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इतना प्यार से और दुलार से हमें खिंचाई कर रहे हैं, मतलब हमारी फोटो से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब हम आगे की रस्म शुरू करेंगे। और कुछ खास बात पूछनी है आपको? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।